हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पे आपको ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी बुक का सारे क्वेश्चंस करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद अभी हमारा चल रहा है क्वेश्चन सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चल रहा है के अंदर दो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे पहले, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्लास 10th के टॉपिक्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री मैंने ख़त्म किए हैं, और एक टॉपिक है जो मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज़ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं करवाए थे, एक दो क्वेश्चन बाकी है उसको मैं कवर कर दूंगा। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। मिनिमम 500 तो सोच के रखा है, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन दिस सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड्स आर्य शर्मा बुक, आर्य अग्रवाल बुक एंड डिफरेंट एंड मेनी मोर बुक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस का मतलब एक तरह से बोल सकते हो कॉम्बो होगा। ओके, तो शुड आई स्टार्ट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो तो क्वेश्चंस करवा दिए हैं, देख लेना, प्लेलिस्ट बना के सब रखा हुआ है बच्चों, देख लेना। ओके चलो स्टार्ट। ओके, नहीं याद है तो अच्छे से याद कर लो। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है पहले एनसीईआरटी के, पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो समझो पहले, तो गो एंड वॉच द एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 1 - sin² थीटा x² थीटा इक्वल टू 1, हमें प्रूफ करना है। तो हमें LHS में क्या गिवन है यहाँ पर, तो पहले LHS वाला पोर्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 - sin² थीटा मल्टीप्लाई है sec² थीटा, तो हमें 1 प्रूफ करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये एक फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है, जो हमारा एक फार्मूला। आप अच्छे से फार्मूला याद कर लो, मैं आपको फार्मूला शीट दिखा देता हूँ। एक दिस इज आवर फार्मूला शीट, हाँ मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने बना कर रखा था। ओके, यहाँ मैंने सारे ये रहा, ये रहा। ओके, इसमें सारे फॉर्मूला लिखे हैं, सारे फॉर्मूला तो अच्छे से आप याद कर लो पूरा अच्छे से, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाया था तो सारे इसको कवर किया था। इसको अच्छे से इसका आंखों के सामने रखो, जब मैं बार बार आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, आप अच्छे से इसको याद कर लो। मैं अगर बोलूं कि ये फॉर्मूला है तो आपको देखना, आप आके देखोगे इसके अंदर वो फॉर्मूला होगा। ओके ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो तो हम कहाँ पर थे, फोल्डर। ओके चलो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइंस का, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। 1 - sin² थीटा होता है आपका cos² थीटा, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है sec² थीटा। ओके, तो सिंपल से बात है, cos² थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 - sec² थीटा। cos थीटा का होता है 1 - sec थीटा, तो cos² थीटा क्या होगा, 1 - sec² थीटा इंटू sec² थीटा, ये तो ऑलरेडी पहले से था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका हो गया 1, दैट इज इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS है 1, तो हमारे यहाँ वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो गया, देन 4, ये हमारा 3 गया ना 4, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos² थीटा वैसे ही रखो इंटू, ये 1 + tan² थीटा होता है बच्चों आपका sec² थीटा होता है। ओके, ये आपका LHS, मैं इसको LHS पकड़ के चल रहा हूँ, LHS है। मैं अब लिखा नहीं, डायरेक्ट देख लो। देन उसके बाद यहाँ पर सिंपल से बात है, cos² थीटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 - sec² थीटा, इसको सिर्फ चेंज किया मैंने, cos² थीटा को मैंने चेंज किया, और sec² थीटा उसको वैसे ही रखा मैंने, तो बस इसको आप कैंसिल आउट करोगे, आपका आंसर 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू RHS, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इजी इजी क्वेश्चन है, इसको फटाक से किया जाता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। अब यहाँ पर देखो ये सवाल कैसा है, cos² थीटा प्लस 1 - 1 + cot² थीटा, इसको 1 प्रूफ करना है। तो पहले LHS में जो है ये वाला लिख देता हूँ मैं, है हमारा LHS, cos
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें वन प्रूफ करना है। कैसे करें? सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा आप वैसे ही रखो, चेंज मत करो, प्लस वन बाय जो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। जाके फॉर्मूला देखो, यही है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने वैसे ही रखा। अब ये जो वन बाय कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा होगा, वन बाय कोसेक थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। उसी तरह वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना, जो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आंसर वन होगा। तो थोड़ा लॉजिकल अब धीरे धीरे आएगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना मैं रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि इस क्वेश्चन सीरीज में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।